तो शुभम ठाकुर सुबह सुबह क्या कर रहा है? सुबह उठ के उसको टेंशन नहीं है, अपने गुल्लक में पैसे डालने। चलो भाई पैसे डाल दिए, थैंक यू। विंटर्स में वैसे कमी बारिश मांगते हैं, बट इस हालत को देख के तो मांगनी पड़ेगी। बहुत दिनों के हो गए यार बारिश नहीं आ रही है, जो कि बहुत बुरी बात है। और हमारे यहाँ घर के आगे एक बड़ा सा ट्रक भी ख़राब हो गया है, जिसने हमारा आने जाने का रास्ता छोटे वाला बंद कर दिया है। पर क्या कर सकते हैं, बेचारे की गाड़ी ख़राब हो गई है। और सुबह सुबह शिवम, हमको ये टेंशन नहीं है कि स्कूल जाना है, ये टेंशन है कि सुबह उठ के मुझे साइकिल चलानी है बाबू को। चलें, आजा आजा, पापा के पीछा, पापा के पास आजा आजा आजा। डॉगी को मत मारना, चल आजा आजा। तो फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो बस अभी ब्रेकफास्ट करना और निकलना है टुवर्ड्स मनाली। टेम्परेचर कितना कम है, इससे पता लगता है कि रात को यहाँ पे इसके ऊपर वो आइस जम चुकी है, मतलब पानी की डायरेक्ट आइस बन चुकी है। यहाँ कहीं पानी होगा तो वहाँ लगेगा पता। भाई आज पहली बार ऐसा हो कि हम सुबह पहुँचे और यहाँ पहले ही अद्विका और श्रीविका बैठी हुई थी, है ना शिवम? हाय हाय ठंडा। तो चल पड़ी है अपनी गैंग स्कूल के लिए, बस आ गई। भाई अभी पहुंच चुके हैं हम मनाली। और एक बात बोलूं, यहाँ जहाँ पानी दिखाई दे रहा है ना, आगे वो जम चुका है, वो बन चुकी है आइस। तो दिन के बजे होते हैं 11, तब भी आइस बनी है वो। मतलब मेरे कहने का ये है कि भैया मनाली में अगर आप जल्दी पहुंचो सुबह 4-5 बजे के करीब, अगर पानी कहीं पे खड़ा हुआ हो तो उस पानी से डर जाना, बिकॉज वो स्लिपरी हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं वापस एक्चुअली घर नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है मुझे मेन मनाली में, तो वहाँ जा रहा हूँ अभी। और जो लेफ्ट साइड रोड खाली पड़ी है, ये अभी तक ठीक नहीं हुई है और मुझे लगता भी नहीं ये ठीक होगी जल्दी, बिकॉज जब से वो कांड हुआ है बरसात वाला, उसके बाद मुझे लगता है कि अब जो NHAI वो डर रही कि नदी के साथ ज़्यादा रोड कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। बट फ्यूचर का कोई पता नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ से आगे गायब है रोड सारी। मे भी फ्यूचर में करें और फ्यूचर में ना करें, कोई पता नहीं। क्योंकि अगर करना होता तो अभी करते, क्योंकि रिवर अभी बहुत कम है, तो यही बेस्ट मौका था करने का। बाद में तो फिर मार्च के बाद फिर से रिवर अपने उफान में चलेगी। आज वीकेंड नहीं है तो कल से रश बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा मेन मनाली में। तो चल पड़े इस घर की ओर वापस। बट ये बलून ऐसे ही उड़ता हुआ। तो फाइनली गाइस घर पहुंच चुका हूं, बट घर में आके क्या देखता हूं कि हमारे पहाड़ जल रहे हैं, बुरी तरह से जल रहे हैं यार। मतलब इतनी ज्यादा आग लगी है ना, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि इतना ये धुआं इतना हो चुका है ना। शायद आप देख रहे हैं बिजली महादेव के, उसमें दो जगह, एक नीचे एक ऊपर लगी आग, और यहाँ इस साइड भी आग लगी है, इधर कहीं पे इस पेड़ के पीछे। तो यहाँ से नहीं दिखेगी वो, जब उधर से आएंगे ना, मैं 4 लेन होते हुए आया तो वहाँ से दिख रही थी। तो भाई इस टाइम इतना ज़्यादा धुआं है कि कैमरे में ना आ नहीं रहा है। देखना उधर, उस वाला उधर देखो, ये बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी। और यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू परे। तो मतलब कुछ एक हरामियों की वजह से ना, यहाँ के जीव जंतु को भी दिक्कत है, लोगों को भी दिक्कत है, बच्चों और बूढ़ों को भी दिक्कत है, जिसको सांस लेने में तकलीफ होती होगी। लोग अपने फ़न के लिए क्या क्या कर सकते हैं क्या बताएं। आई नो, जब कोई लोग कचरा फैलाते हैं टूरिस्ट, तो रील्स बनती हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं फैलाने। बट जो ये आग लगाते हैं ना, वो यहीं के लोग हैं, हमारे इसी कुल्लू के लोग हैं, और वो ऐसे काम करते हैं।
और ये मेरे अनमोल रतन, इनका काम यही है, इनका काम यही है बस यहाँ बैठ के मौज करना। ठंड नहीं लगती तुम दोनों को? नहीं लगती ठंड? जानू बाहर तूने हालत देखी? हाँ बहुत आग, बहुत मतलब बिजली महादेव वाले में भी लगी दो जगह। और यहाँ डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं मुझे नहीं, खोखण वाले भी हो क्या? मजाक नहीं, मजाक ही है सच्ची यार। डिपार्टमेंट में तो चलो छोड़ो परे ना, उनकी तो कुछ बोल ही नहीं सकते। नहीं डिपार्टमेंट की भी गलती है, वो है बहुत ज्यादा गलती है, इसीलिए देखो जो कमीने लोग होते हैं ना, कमीने लोग वो हर जगह भरे हुए हैं, वो कुल्लू हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो भाई, जिनको कदर ही नहीं है दूसरों की। डबल डबल रॉड जली हैं, बट भाई यहाँ पे ये हीटर भी काम नहीं करता है। अब जाना पड़ेगा नहाने के बाद सीधा तंदूर के पास, क्योंकि नहाने के बाद ठंड बहुत लगती है और ये हीटर काम नहीं करते, इसीलिए ऊपर जाना पड़ेगा तंदूर के पास गर्मा गर्म। लेट्स गो। हाय 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 मेरी क्यूटी पाई, हाय। और देखा 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 पापा के पास आना चाहता है, आना चाहता है पापा के पास, आ जा क्यूटी। तू लग गई फिर आवेग शिकायत करने ना, है ना? क्या किया उसने? हाय क्यूटी पाई, तूने मेरे छोटे बच्चे को डांटा? हाउ डे यू, आपको डांटा मम्मा ने आज? आपको डांटा मम्मा ने? आपको मम्मा ने डांटा आज? हाय क्यूटी पाई, मम्मा ने डांटा? क्यों डांटा मेरे बेबी को? क्यों डांटा? क्यों डांटा पत्ती? क्यों डांटा मेरे बेबी को? अपने इस बेबी को डांट। तो बात अभी चल रही थी, क्या चल रही थी? हाँ शिवो, हाँ। तो भाई आज मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था आपको कि हम आपको बेबी का नाम बता देंगे। तो सबसे पहले हम पूछेंगे, तो सबसे पहले पूछेंगे हम बेबी से, बेबी तेरा नाम क्या है? उछलने को नहीं बोला मैंने, नाम पूछा बेटा तेरे से सिर्फ। शिवोहम बेबी का नाम क्या है? शिवोहम बेबी का नाम क्या है? Oh my God, आज शिवम का मूड है और आज उसने बता दिया। तो शिवो बेबी का, हाँ, तो बेबी का नाम है हमने रखा मनस्विन। मतलब क्या है उसका? मनस्विन होता है जो कि हर एक काम में एक्सीलेंट हो, और ये भगवान विष्णु का नाम है। तो हमारे घर में एक शिवजी हो गया, एक विष्णु हो गया, और एक श्री वी का भी है, वो लक्ष्मी माता होगी, एक अद्विका है, वो दुर्गा माता, अद्विका आदिशक्ति है ना, सब भगवान है हमारे घर में बैठे हुए। और इसकी आंखों में मुझे नींद लग रही है, बहुत नींद आ रही है। हाय मनस्विन, बुलबुले फुलाना छोड़ दे, ठीक है? बुलबुले फुलाना छोड़ दे। इसी के साथ फाइनल हमने बता दिया अपने बेबी का क्या नाम है, रिवील कर दिया है। ओके ओके शिवो, हम है दरवाजा खुला रखती है तू। हाय, तो बेबी सो गया है मेरे साथ, सोना है? निन्नी आ ली है? आ गई मम्मा, आ गई मम्मा, आ गई ना मम्मा, आ गई तेरी मम्मा, आ गई। ठीक है शिवो, हम ले जा भाई इसको जल्दी, भूख लगी है इसको, भूख भी लगी नहीं। हाँ पता नहीं लगता, वो देख वाला कैसी भूख के, तड़ के पत्ती। बाय, गुड नाइट। तू क्या मेडल मेडल लटका के चली हुई है? मेडल सेकंड प्राइज मिला है बैडमिंटन में। क्या बात है यार, क्या बात है। नीचे रोटी देखो, बैडमिंटन कंपटीशन जूनियर सेकंड, क्या बात है, क्या बात है। वो तुम दोनों पक्का कुछ सेकंड प्राइज जीतते भी होगी, कहीं ऐसा तो नहीं भाई ने सोचा कि चल अपने भतीजे भी जीत गया तो दे देते हैं सेकंड प्राइज? नाना का फोन था तूने काट दिया। इंटर हाउस बैडमिंटन कंपटीशन? नहीं नहीं नहीं, मेरे को अब ये चाहिए सीधा। क्या क्या, चल अच्छी बात है। सेकंड क्यों आई, फर्स्ट क्यों नहीं आई? वैसे फर्स्ट हार गए फाइनल मैच में। कितने उससे पॉइंट्स हैरी दो? तीन पॉइंट्स है, वाह। चल कोई बात नहीं, गुड, अगली बार तो भैया फाइनल में बैडमिंटन खेल रही है तो खेल। पर घर में तो खेलती भी नहीं है लड़की बैडमिंटन, कैसे जीती? ये सब कुछ कर सकती है पर ये करती नहीं, करना नहीं चाहती, लेजी गर्ल, लेजी गर्ल। सुबह उठ के 6 बजे खेला कर बैडमिंटन,
अब तूने बनना है, मैंने क्या करना बैडमिंटन खेल के। मेरे को नहीं पसंद बैडमिंटन, मेरे को तो अच्छा आपने तो बोला कि आप बैडमिंटन में गोल्ड मेडलिस्ट हो। नहीं मैं था स्कूल टाइम में था, मैं सब नहीं खेलता बट अभी नहीं हूं ना। मैं खेल सकती हूं एक बार, स्कूल टाइम में था। इन सक्रिय हो जाए प्रकृति क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? मैं कुछ भी नहीं थी ना, मैं चैंपियन थी। तू मतलब बच्चों से फ्री हो जाए ना, हो जाएगी तू जब 25-26 साल के हो जाएंगे। 25-26 ठीक है, कुछ नहीं है, छोड़ो मैं जल्दी उठड़ा। देख जब ये 25-26 साल बाद फ्री हो जाएगी तब तू अपने बच्चों के साथ होगी। दोनों पागलों की तरह हंस रही है तब से। चलो जल्दी खाओ रोटी, महीना लगा दे तुम। ये देखो ये हालत है भाई इनकी, कसम से। चल शिवम लेट्स गो, ये पहन जैकेट में। ओए रोटी खाओ तुम दोनों, अब हम चले सोने के लिए। चल शिवम बाय कर दे, चलो भाई इसको के नीचे ले जाएगा। चल चुपचाप सोने, चल गुड नाइट, बाय बाय कर दे पहले। गुड नाइट बाबा, रियो प्रणी बात। तो गाइस बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।